एक्टिव वीडियो एडिटिंग वर्सेस पैसिव वीडियो एडिटिंग। अगर 2021 में आप एक यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहते हो या एक यूट्यूब चैनल चला रहे हो जिसमें आप फेसलेस कंटेंट बनाते हो या फेसलेस कंटेंट नहीं भी बनाते हो, तो भी इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि फ्यूचर में आपकी यूट्यूब चैनल को बहुत लॉन्ग टर्म तक रेलिवेंट रहने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताऊँगा क्या होती है एक्टिव वीडियो एडिटिंग और क्या होती है पैसिव वीडियो एडिटिंग, क्योंकि ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो फैक्टर हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि कोई इंसान आपके चैनल को कितना देखता है, कितना ऑडियंस अटेंशन आपको मिलता है, कितनी देर तक लोग आपके चैनल पर रहते हैं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये चीज़ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर, उतनी ही आपकी जो ऑडियंस है वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं पैसिव वीडियो एडिटिंग की। पैसिव वीडियो एडिटिंग, अब ये एक ऐसी एडिटिंग स्टाइल है जिसको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं 2021 में भी, लेकिन 2021 में ये जो वीडियो एडिटिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रहेगी, या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी ये एडिटिंग स्टाइल सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे इंटरनेट पे आ गए हैं, उनकी वजह से जो लोगों का अटेंशन स्पैन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और इसी कम अटेंशन स्पैन में आपको एक ऐसा वीडियो क्रिएट करना है जिस पे लोग ज़्यादा देर तक देखने लगें। तो यहाँ पे पैसिव वीडियो एडिटिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते स्क्रीन के ऊपर। ज़्यादातर क्रिएटर्स जो टॉकिंग हेड वीडियोस बनाते हैं, यानी कि नॉर्मली अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं, वो पैसिव वीडियो एडिटिंग करते हैं। 2021 में बहुत ऐसे कम ही क्रिएटर्स हैं जो इस तरह के कंटेंट को लेकर रेलेवेंट रह पाए हैं यूट्यूब पे ऊपर, या तो फिर जो ऐसा कंटेंट बनाते थे जिनमें क्वालिटी थोड़ी कम थी, या तो फिर ऐसा कंटेंट था जो कि बहुत प्लेन था, वो कंटेंट अब बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रहा। ऐसे चैनल्स बहुत सारे डेड हो चुके हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना है, और अगर आप अभी भी अपने चैनल के ऊपर पैसिव वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो उसे बदलना पड़ेगा, उसे एक्टिव वीडियो एडिटिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एक्टिव वीडियो एडिटिंग की। तो एक्टिव वीडियो एडिटिंग बहुत ही सिंपल टर्म है, जिससे पता चलता है कि एक्टिव शब्द के अंदर ही एक्टिविटी है। यानी कि क्या होता है कि यहाँ पे जो वीडियो एडिटिंग होती है उसमें हर 5 से 10 सेकेंड के अंदर वीडियो में कोई ना कोई विजुअल चेंज आता है, या तो बैकग्राउंड चेंज होता है, कोई टेक्स्ट अपीयर होता है, कोई इफेक्ट्स लगता है, कोई एनिमेशन आता है। अब ये चीज़ से क्या होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल आपका वीडियो देख रहा हूँ और मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ आपका कंटेंट, लेकिन अगले 5 सेकेंड के अंदर कुछ नया इफेक्ट्स या कुछ नया इफेक्ट या कुछ नया टेक्स्ट आपके जो वीडियो में आने वाला है उस चीज़ को भी मैं देखना चाहता हूँ, मुझे ओवरऑल ये एक ज़्यादा एंजॉयबल एक्सपीरियंस बन रहा है मेरा आपके वीडियो को देखने में, जिससे क्या होता है कि लोग ज़्यादा देर तक आपके वीडियोस को देखेंगे, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेंट से तो यहाँ पे कनेक्टेड हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ मेरे अंदर या तो फिर जो भी ऑडियंस आपका कंटेंट देख रही है, अगर आपने एक्टिव वीडियो एडिटिंग की है तो वो क्यूरियस रहेगा कि अगले 10 सेकंड में वीडियो में क्या कुछ नया चेंज देखने मिलेगा, कुछ नया अलग सा देखने मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो क्यूरियोसिटी है, ये क्यूरियोसिटी आपकी ऑडियंस को बहुत लॉन्ग टर्म तक आपके वीडियो पे बिठा के रखेगी, और ये एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल होने का एक तरीका है, जो कि है एक्टिव वीडियो एडिटिंग। अगर आप एल्ग्रो का चैनल देखें तो उसमें आपको एक्टिव वीडियो एडिटिंग दिखती है, साथ ही साथ ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो एक्टिव वीडियो एडिटिंग करते हैं। और अगर आप मिस्टर बीस्ट के चैनल को देखें तो डेफिनेटली उनका वीडियो फास्ट पेस्ड होता है, और उनके वीडियो में बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, जिसकी वजह से वो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाते हैं। तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो, अपने चैनल पे अप्लाई करना चाहोगे या नहीं ये डिपेंड करता है आप पे। और ऐसे ही कुछ और दो कमाल के वीडियोस आपको देखने मिल रहे होंगे एंड स्क्रीन में, उन्हें जाके क्लिक करो, देखो, अपने YouTube बिजनेस को ग्रो करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।